भारतीय जनता पार्टी ने राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश के लिए अपने पर्यवेक्षकों का ऐलान कर दिया है। ये पर्यवेक्षक ही हर राज्य में वहां के विधायकों से बात करके सीएम के चेहरे के नाम का ऐलान करेंगे। बीजेपी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को राजस्थान का पर्यवेक्षक बनाया है। विनोद तावड़े और सरोज पांडे को उनका सहायक सर्वेक्षक बनाकर भेजा है। वहीं हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर, के लक्ष्मण और आशा लकड़ा को मध्य प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाकर भेजा गया है। वहीं भाजपा ने छत्तीसगढ़ में अर्जुन मुंडा, सर्वानंद सोनोवाल और दुष्यंत कुमार गौतम को पर्यवेक्षक के पद के लिए नियुक्त किया है। आपको बता दें कि हाल ही में विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में प्रचंड जीत हासिल की। बीजेपी ने मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान में बिना मुख्यमंत्री चेहरे के ही चुनाव लड़ा था। पार्टी ने पीएम मोदी के चेहरे और सामूहिक नेतृत्व के दम पर तीनों राज्यों में जीत हासिल की। ऐसे में बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती अब तीनों राज्यों में मुख्यमंत्री चेहरे का चुनाव करना है।